हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कूल इंजीनियर्स। तो दोस्तों, आज हम फिर से आ गए हैं आपके लिए एक और अच्छा सा प्रोजेक्ट लेके। तो दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं एक इमरजेंसी लाइट जो कि मल्टीपर्पज़ हो सकती है। दोस्तों, आप इसको काफ़ी सारे यूजेस में ले सकते हैं। एज अ यूट्यूब वीडियो शूट करते टाइम इसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप टिकटॉक वीडियो बनाते हैं तो उसमें भी आप इसको अपने फेस पे लगा के यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप इसे अपने फेस पे लगा के सेल्फीज लेते हैं तो भी बहुत अच्छी आती है। एक सॉफ्ट लाइट का भी ये काम कर लेती है। दोस्तों, काफ़ी अच्छे तरीके से हमने इसको एक्सप्लेन किया है आज के अंदर। सब चार्जिंग वार्जिंग सारे सिस्टम हमने इसमें फिट किए हैं। वीडियो को पूरा एंड तक देखिए दोस्तों, बहुत ही इजी स्टेप है। मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप इसको बना पाएंगे। तो बिना देर करते हुए चलते हैं अपने प्रोसेस की तरफ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको ये प्रोजेक्ट बनाने के लिए एक ख़राब पुराने एलईडी बल्ब की रिक्वायरमेंट होगी। कोई भी आप घर में पड़ा बल्ब ले सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास बल्ब नहीं है तो कोई भी आप कार्डबोर्ड का बॉक्स ले सकते हैं, उसमें एलईडीज लगा सकते हैं, क्योंकि कनेक्शंस मेन होते हैं। कनेक्शंस का प्रोसेस मैंने आपको पूरा इसमें बता रखा है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसके एलईडी पार्ट को निकाल लेंगे। ये पैनल जो है ये ख़राब हो गया था। तो फ्रेंड्स, अपना पैनल बनाने के लिए आपको एक कार्डबोर्ड का पीस ले लेना है, एकदम जैसे वो पैनल था उसके टाइप का सर्कल इसमें काट लेना है। आप चाहें तो यहाँ पे पीसीबी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली बंदों के पास वो अवेलेबल नहीं होता, इसलिए मैंने यहाँ पे कार्डबोर्ड का यूज़ किया है। इसके बाद दोस्तों, आप क्या करेंगे कि इसके सेंटर में एकदम लाइन्स लगा लेंगे ताकि एक सिमिट्री सी बन जाए। यहाँ पे अब हम 16 एलईडीज़ का यूज़ करेंगे। वाइट एलईडी हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, जो फैलने वाली रोशनी के होते हैं। थोड़े आपने देखा छोटे एलईडीज़ हैं इस टाइप के। हम आप कोई भी एलईडी यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। दोस्तों, यहाँ पे देखिए, इस टाइप से अब हम एलईडीज़ को लगाएंगे। यहाँ पे एकदम कार्डबोर्ड में जो है होल्स नहीं होते, तो इसलिए आपको डालना पड़ेगा। पीसीबी में होल्स मिलते हैं आपको, अगर जीरो साइज़ वाला पीसीबी आप लेते हो। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने एलईडीज़ लगाए हैं, तो जो बड़े वाली लेग है एलईडी की, यानी कि पॉजिटिव लेग, उसको हमने बाहर रखा है, और जो छोटे वाली लेग है उसे अंदर रखा है। इस टाइप से आपको दोस्तों इन एलईडीज़ को दबा लेना है, एक सिमिट्री में सारी की सारी दब जाएंगी। आपको एक बार अच्छे से चेक कर लेना है कि पॉजिटिव वाली लेग आपने बाहर रखी हो और नेगेटिव वाली लेग अंदर रखी हो, क्योंकि एक भी अगर प्रॉब्लम कर गया तो दिक्कत हो जाएगी दोस्तों, फिर चलेगा नहीं। तो अच्छे से आपको देखते जाना है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों इसके कनेक्शन का पार्ट, जो कि हमारा मेन पार्ट रहने वाला है वीडियो का। इसमें दोस्तों हम क्या करेंगे, जो दूसरी लेयर वाले पॉजिटिव के थे और पहली लेयर वाले पॉजिटिव के थे, उनको हम जोड़ते चलेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे पैरेलल कनेक्शन कर रहे हैं। पैरेलल कनेक्शन में होता क्या है कि पॉजिटिव से पॉजिटिव जुड़ा होता है, नेगेटिव से नेगेटिव जुड़ा होता है। आप देखिए, यहाँ पे मैंने पॉजिटिव से जोड़ दिए पेंसिल से, और अब ये मैंने यहाँ पे नेगेटिव से जोड़ दिए। होप है दोस्तों कि आप इसे समझ पा रहे होंगे, लेकिन अगर आप समझ नहीं पा रहे तो मैं यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूँ एक डायग्राम, या आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ से फिर आप इजीली समझ पाओगे कि कैसे हमने इसके रिंग के, इस पैनल के कनेक्शन किए हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम आ गए हैं अपने सोल्डरिंग पार्ट के ऊपर। यहाँ पे हम अच्छे से एक वायर लेंगे, उसकी जो कोटिंग होती है उसे उतार लेंगे, और फिर हम इस पर सोल्डरिंग करेंगे। तो दोस्तों, आप देख रहे होंगे मैंने एलईडी पे येलो येलो चीज़ क्या लगाई हुई है। तो दोस्तों, इनको हम फ्लक्स बोलते हैं। ये एक फ्लक्स का मतलब एक पेस्ट होता है, जिसको हम लगाने के बाद जब सोल्डरिंग करते हैं तो बहुत ही अच्छी सोल्डरिंग होती है, इजीली पकड़ बन जाती है। तो ये बिगनर्स के लिए बहुत ही अच्छी टिप होने वाली है। तो दोस्तों, जब भी आप सोल्डरिंग करें तो इस बात का ध्यान रखें कि आपने फ्लक्स ज़रूर लगाया हो, जिससे कि आपकी सोल्डरिंग जो है वो काफ़ी अच्छी होगी। नहीं तो बहुत सारे इशू आएंगे आपको, इजीली जो हमारा जो सोल्डर वायर होता है वो कैच नहीं कर पाता है, इसलिए आप फ्लक्स का यूज़ ज़रूर कीजिए दोस्तों, ठीक है। इसी के साथ हम ऐसे आपको दिखा रहा हूँ कनेक्शंस, सेम टू सेम जैसे मैंने डायग्राम में दिए हुए हैं वैसे ही मैं कनेक्शन कर रहा हूँ दोस्तों। आपके लिए काफ़ी मेहनत करता हूँ, आपका ट्रस्ट इसी टाइप से बनाने के लिए दोस्तों, क्योंकि मैं कुछ गलत नहीं दिखाना चाहता आपको, आपको एकदम अच्छी चीज़ दिखाना चाहता हूँ। अच्छे से अच्छा मैं आपके लिए लेके आता हूँ कंटेंट। तो इस बात के लिए दोस्तों, एक लाइक तो बनता ही है, और आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं ऐसे प्रोजेक्ट्स और लाता रहूँगा, इससे अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स लाता रहूँगा। तो इसी के साथ फ्रेंड्स, हमारे जो कनेक्शंस हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। तो ये देखिए, हमने स्टार पैटर्न में इनको सोल्डर किया है। इसके बाद दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहूँ, जो एंड में जो आप सोल्डर करोगे ना, उन दोनों लास्ट वालों को आपने कनेक्ट नहीं करना है। जैसे मैंने अब ये वायर कट की, इसमें लास्ट वालों को आपने कनेक्ट नहीं करना है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। तो हमने कनेक्शन जो है सारे कंप्लीट हो गए हैं हमारे। और अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी आती है दोस्तों इसमें, सर्किट डायग्राम में या किसी भी टाइप की, आपने डिस्क्रिप्शन से आपको मेरा इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपको सारी चीज़ों के सॉल्यूशंस दूंगा दोस्तों। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, मैं पर्सनली आपसे बात करूँगा। इसके बाद फ्रेंड्स, हम यहाँ पे दो वायर्स ले लेंगे। इन दो वायर्स को अपने पॉजिटिव और नेगेटिव पे लगा लेंगे, जो हमने अपना एलईडी पैनल बनाया है।
उस पैनल पे। इसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पे एक स्लाइड स्विच यूज कर रहा हूँ ऑन ऑफ के लिए, आप चाहे तो कोई भी और स्विच यूज कर सकते हैं, लेकिन स्लाइड स्विच जो है यहाँ पे हमारे बल्ब पे फिट बैठ रहा था, यहाँ पे पहले से होल्स दिए हुए थे तो मैंने सोचा कि स्लाइड ही लगाना चाहिए। आप चाहे तो कोई और भी स्विच यूज कर सकते हैं, अगर आपके पास स्विच भी नहीं है तो सिंपल दो वायर्स निकाल लीजिए दोस्तों। और जो दोस्तों हम कनेक्टर यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ये मोटी पिन वाला कनेक्टर यूज कर रहे हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसमें दो टर्मिनल है दोस्तों, पीछे वाला पॉजिटिव है और आगे वाला नेगेटिव है, और थर्ड वाले को हम नेग्लेक्ट कर देंगे। इसके बाद अब यहाँ पे होल कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों हम जो यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो है एक डायोड, जिसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है दोस्तों, वहां से जाकर आप इसे परचेज कर सकते हैं। इसमें जो ये हमारी लेफ्ट साइड वाली वायर है ये तो लगेगी पावर कनेक्टर के अंदर, जो राइट साइड वाली है ये लगेगी हमारी बैटरी के अंदर। इसमें ब्लैक से ग्रे की तरफ करंट फ्लो होता है दोस्तों, दूसरी तरफ नहीं होता। एज अ सेफ्टी के लिए हम इसे लगाते हैं, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए जो कंप्लीट सर्किट डायग्राम है वो कुछ इस टाइप का है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो बात याद रखनी है कि जो रेजिस्टेंस होता है उसको कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, कोई भी कहीं भी लगा सकते हो। डायोड आपको ध्यान से लगाना पड़ेगा और एलईडी के पॉजिटिव में लगेगा रेजिस्टेंस। तो इस हिसाब से दोस्तों सर्किट डायग्राम जो है आप यहाँ से भी देख सकते हैं, जो मैंने साइड में दिया हुआ, और डिस्क्रिप्शन से आपको लिंक भी मिल जाएगा इसका पूरा डिटेल्ड में। तो फ्रेंड्स जो हम यहाँ पे बैटरी यूज़ कर रहे हैं वो 4 वोल्ट की रिचार्जेबल एसिड बैटरी यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, आप चाहें तो लिथियम भी यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हमने यहाँ पे अपने सर्किट डायग्राम से देख के सभी कंपोनेंट्स को लगा लिया है। आप भी अपने तरीके से जैसे भी आपके कंपोनेंट्स फिट बैठ रहे हों वैसे आप इनको अच्छे से बिठा लीजिएगा। आप सर्किट डायग्राम से देख के सारे कनेक्शंस को कर लीजिएगा। हम अपनी चार्जिंग सॉकेट के कनेक्शन बैटरी के साथ कर लेते हैं। यहाँ पे जो दोनों वायर्स थे वो हमने कनेक्ट कर दी है हमारी बैटरी के साथ सॉकेट की। इसके बाद दोस्तों जो हमारा जो पैनल था उसमें हमने दो वायर्स लगाई थी, इन दो वायर्स को भी हमने कनेक्ट कर लिया है सर्किट डायग्राम से देख के। आप मेरी बात मानिएगा, उस डायग्राम जरूर देखिएगा, वहाँ से आपको सब समझ आएगा। फिर से बोल रहा हूँ, अगर समझ नहीं आए तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, इंस्टेंट रिप्लाई दूंगा आपको। और यहाँ पे आप देखिए जैसे मैं चला के दिखाया, बहुत अच्छे से जो हमारे LEDs ग्लो हो रही हैं, आपको नाइट टाइम में भी दिखा देता हूँ दोस्तों। अब ये देखिए एकदम बहुत अच्छे से सॉफ्ट लाइट देती है जो LED है हमारी। तो फ्रेंड्स अभी मैं आपको लाइट में चार्जर लगा के दिखाता हूँ, जैसे आप चार्जर लगाएंगे हमारा रेड LED ग्लो हो जाएगा, इसका मतलब कि अभी हमारी चार्जिंग हो रही है। इसको आपको 2 से 2.5 घंटे से ज़्यादा चार्ज नहीं करना क्योंकि एसिड बैटरी है, जितनी जल्दी चार्ज हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे जो वोल्टेज हम देंगे चार्जर के थ्रू होगी 5 वोल्ट या 6 वोल्ट, इससे ज़्यादा नहीं देनी है आपको, नहीं तो फिर हमारी लाइट में प्रॉब्लम आ सकती है। आप कोई भी अडेप्टर यूज़ कर सकते हैं, कोई भी चार्जर, नॉर्मल मोबाइल चार्जर की वायर काट के उसमें मोटी पिन का कनेक्टर लगा सकते हैं दोस्तों, ईजिली आपका प्रोजेक्ट बन जाएगा। इसी के साथ दोस्तों अब हम आपसे जाने के लिए आज्ञा मांगते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक ज़रूर देना दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपको आने वाली हमारी वीडियोस की सारी अपडेट्स मिलती रहें। तब तक आप इंजॉय कीजिए हमारी इमरजेंसी लाइट को। मिलते हैं दोस्तों बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।